हो सकता है आज के एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टमक वर्म के बारे में। स्टमक वर्म एक ऐसा परेशानी है जो मैक्सिमम पेरेंट्स को आजकल सताता है। बच्चों को स्टमक वर्म के चलते काफी सारा तकलीफ झेलना पड़ता है। कभी कभी पेट दर्द, डायरिया, स्लो ग्रोथ या फिर हंगर प्रॉब्लम देखा जाता है। बच्चे फूड टैंट्रम्स दिखाते हैं, सही तरह से खाना नहीं खाते हैं या दूसरी तरह का प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। स्टमक वर्म इजीली डायग्नोस नहीं होता क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है वो इजीली पकड़ में नहीं आते। मैक्सिमम केसेस में पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे का कुछ और प्रॉब्लम है या फिर बच्चा टैंडम थ्रो कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपका बच्चा किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जैसे कि स्टमक वर्म। अगर बच्चे को स्टमक वर्म का प्रॉब्लम है तो आपको पता कैसे चलेगा? फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप उसका ट्रीटमेंट या रेमेडी करेंगे कैसे? तो आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टमक वर्म रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर। स्टमक वर्म होता कैसे है, कितने तरह का स्टमक वर्म्स होते हैं, अगर स्टमक वर्म हुआ तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके रीजंस क्या क्या है, इसके ट्रीटमेंट और रेमेडीज क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर एपिसोड के रिलेटेड कुछ भी आपको बताना है या पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहती हूँ स्टमक वर्म होता क्या है। फ्रेंड्स, ये एक तरह का वर्म है या इन्फेक्शन बोल दीजिए, स्टमक का जो वॉल रहता है वहाँ पर होता है। बच्चों के जो पूप करने का जगह एनस होता है वहाँ पर ये वर्म्स देखे जा सकते हैं, अगर सीवियर केस हुआ तो। ये जो स्टमक वर्म है ये कई तरह का होता है, उसमें से कुछ कॉमन है पिन वर्म, व्हिप वर्म, टेप वर्म, फ्लक्स और राउंड वर्म। ये सारे वर्म्स होते कैसे हैं बच्चों को और इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं ये सारे वर्म्स के बारे में, उसके बाद हम बढ़ेंगे बच्चों पे इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड ये कॉमन पिन वर्म इन्फेक्शन है जिसको कि नॉर्मली स्टमक वर्म भी बोला जाता है। स्कूल गोइंग किड्स जो होते हैं पिन वर्म उनमें देखा जाता है और ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि बच्चे एक कॉमन टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन फैलने का चांसेस रहता है। इसके जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो है इचिनेस, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, स्नोमिया और टीथ ग्राइंडिंग, दांत रगड़ते हैं, नौशिया या फिर ऑकेजनली स्टमक पेन होता है बच्चे जब कंप्लेन करते हैं, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं पिन वर्म के। नेक्स्ट है व्हिप वर्म। ज्यादातर ह्यूमिड एरिया में रहते हैं, गर्म वाला मौसम रहता है, वहां पर व्हिप वर्म ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है। ये वर्म बच्चों के साथ साथ डॉग या कैट्स को भी होता है। बच्चों में जो सिम्टम्स पाए जाते हैं वो है वॉमिटिंग यानी उल्टियां आना या फिर हेडेक, डेफिकेशन को कंट्रोल करने का कैपेसिटी काफी घट जाता है बच्चों में, और डायरिया ब्लड के साथ आप देख सकते हैं। वेट लॉस तो होता ही है बच्चों को अगर स्टमक वर्म हुआ तो। स्टमक वर्म अगर बच्चे को हुआ है तो वेट लॉस बहुत रैपिडली आप देखेंगे। नेक्स्ट है टेप वर्म। टेप वर्म में आपको जो सिम्टम्स आते हैं वो है नौशिया, वीकनेस, अब्डोमिनल पेन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और लॉस ऑफ एपेटाइट एंड सडन हंगर। ये चीज आप कॉमनली देखेंगे। कभी कभी आप बच्चों के रेगुलर डाइट में सब देने के बावजूद उनको विटामिन और मिनरल्स का डेफिशिएंसी देखा जाता है, तो वो हो सकता है स्टमक वर्म। कभी कभी बच्चों को भूख नहीं लगता अचानक से एकदम से भूख लगने लगता है, तो वो एक रीजन हो सकता है। ये जो फ्लक्स वर्म होते हैं ये काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि इसमें बच्चों को फीवर, मलेशिया या हेल्प जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है राउंड वर्म। ये जो राउंड वर्म होते हैं ये नॉर्मली कॉन्टेमिनेटेड जगह या फिर मैला पानी, मैला मिट्टी जो होता है वहां पर ये पाए जाते हैं, और बच्चे अगर गलती से कुछ मुंह में डाल दिए तो इससे स्टमक में ये राउंड वर्म डेवलप कर जाते हैं। जो राउंड वर्म होते हैं ये काफी खतरनाक होते हैं और बच्चों पे इसका असर काफी जल्दी दिख जाता है। बच्चों के पेट में अगर राउंड वर्म है तो काफी रैपिडली वो एक दिन में 2 लाख अंडे तक दे सकता है, जिससे कि काफी रैपिडली इसका काउंटिंग बढ़ जाता है, और बच्चे जो भी विटामिन मिनरल्स या खाना जो भी खाते हैं वो सारे न्यूट्रिशियस चीज ये वर्म खा लेते हैं, जिससे कि बच्चों को बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता। बच्चे को राउंड वर्म हुआ है तो बच्चों का ग्रोथ एकदम स्लो डाउन हो जाता है और उनका वेट लॉस काफी रैपिडली होता है। इसके अलावा बच्चा को बहुत ज्यादा फीवर होता है, बहुत ज्यादा छींकता है, और कभी कभी आप नाक या मुंह से भी ये वर्म को आते हुए देख सकते हैं, ये इतना खतरनाक हो सकता है। ये तो एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन था स्टमक वर्म कितने वैरायटी के होते हैं, लेकिन अभी हम जान लेते हैं इन सब के कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जो कि आप देख के अपने बच्चे को डायग्नोस कर सकते हैं।
सबसे पहला सिम्टम है ब्लोटिंग और गैस। कभी कभी आपके बच्चे को अगर गैस का प्रॉब्लम रहता है तब इट्स नॉर्मल, लेकिन फ्रिक्वेंटली अगर गैस का प्रॉब्लम रहता है तो हो सकता है आपके बच्चे को स्टमक वॉर्म का प्रॉब्लम है। लॉस ऑफ एपेटाइट, बच्चे को आप बहुत वैरायटी खाना भी देने के बावजूद वो खाना खाना नहीं चाहते, हो सकता है उनको पेट फुल लग रहा है या फिर उनको खाने का मन नहीं हो रहा है। इनिशियल टाइम पे बच्चों का वेट गेन होना काफी जरूरी होता है, लेकिन अगर बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है लेकिन वेट लॉस काफी रैपिडली हो रहा है तब आप समझ सकते हैं कि हो सकता है ये स्टमक वॉर्म की वजह से बच्चों का वेट लॉस। काफी बच्चों को पेट में दर्द फ्रिक्वेंटली होता रहता है तो इसका रीजन भी स्टमक वॉर्म हो सकता है। डायरिया, वॉमिटिंग या नौशिया अगर देखा जा रहा है तो वो भी सिम्टम्स हो सकते हैं स्टमक वॉर्म के। आपका बच्चा अगर फ्रिक्वेंटली खा रहा है, मतलब हर एक घंटा या दो घंटे में उसको भूख लग जा रहा है, बार बार खा रहा है, स्टिल उसका वेट लॉस हो रहा है और स्टिल उसके बॉडी में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है उसका सारा खाना स्टमक वॉर्म के द्वारा कंज्यूम हो रहा है, ना कि वो सारे न्यूट्रिशन उसके बॉडी में कंज्यूम हो रहे हैं। और बच्चों को हम किस तरह से इन सब से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके कारण क्या क्या है? पहला कारण है इन्फेक्टेड वाटर या फिर खाना जो कि खराब हो चुका है वो अगर बच्चे खा लेते हैं तब स्टमक वॉर्म डेवलप कर सकता है। सेकेंड, अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, बच्चा हाथ धो के खाना नहीं खा रहा है या फिर मैला या कहीं पर डस्ट एरिया है और वहां पर बच्चा उठा के खाना खा ले रहा है तब भी स्टमक वॉर्म हो सकते हैं। बच्चा अगर प्लेग्राउंड में खेल रहा है या फिर वेट सॉइल जो मिट्टी भीगा हुआ कहीं पर पड़ा हुआ है उसको उठा के मुंह में डाल दे रहा है या उस तरह का कुछ मुंह में डाल रहा है जो कि इन्फेक्टेड है तब भी स्टमक वॉर्म डेवलप कर सकते हैं पेट में। बच्चे को अगर आप अंडर कुक नॉनवेज दे रहे हैं, पकड़ लीजिए मीट, कोई भी एनिमल प्रोटीन आप पकड़ सकते हैं इसमें, अगर बच्चे को दे रहे हैं लेकिन वो अंडर कुक्ड है तब बच्चे को भी स्टमक वॉर्म डेवलप करने का चांसेस बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, ये तो हम जान लिए स्टमक वॉर्म के क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसके रीजंस क्या है। चलिए अब जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। सबसे पहले जब आपको पता चलता है स्टमक वॉर्म हो गया है तो आप घर में कुछ होम मेड रेमेडीज ट्राई करेंगे, जिसको रेगुलर अप्लाई करने से आपके बच्चे को कभी भी स्टमक वॉर्म नहीं होगा, जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इस एपिसोड के एंड में बात करेंगे होममेड रेमेडीज जो कि 100% इफेक्टिव है। फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली वी हैव अप्लाइड। फ्रेंड्स, रेमेडी डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर अगर स्टमक वॉर्म डायग्नोस करेंगे तो उसके लिए वो कुछ टेस्ट बताते हैं। सबसे पहले बच्चों के स्टूल को टेस्ट किया जाता है, अगर उसमें इन्फेक्शन है या फिर वॉर्म के एग्स बने हुए हैं तो वो पता चल जाता है। अगर पेट में दर्द काफी सीवियर है तो हो सकता है आपके डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बोले। स्टमक वॉर्म डायग्नोसिस होने के बाद आपको एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन भी दिया जा सकता है, लेकिन ये सारा परमानेंट क्योर नहीं है। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो इफेक्टिव होंगे, उसके बाद वापस से ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको परमानेंट सोल्यूशन करने की जरूरत है। और परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा पर्सनल होममेड रेमेडी जो हम जनरेशन बाय जनरेशन ट्राई करते आ रहे हैं। हमारे फैमिली में किसी को भी स्टमक वॉर्म का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता, टच वुड, क्योंकि हम शुरू से ही ये रेमेडी हर साल इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ ये रेमेडी कैसे बनाते हैं। इस रेमेडी के लिए आपको ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए रॉ हल्दी, हल्दी आप सूखा या कच्चा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कच्चा इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर सूखा हुआ जो गांठ वाला हल्दी मिलता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में अगर आप रखें तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको चाहिए नीम, नीम का जो पत्ता होता है नॉर्मली बहुत ज्यादा जो बूढ़े पत्ते होते हैं वो नहीं चाहिए, आपको थोड़े से कच्चे और हेल्दी पत्ते चाहिए होंगे नीम के, लगभग एक मुट्ठी। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने एक मुट्ठी नीम का पत्ता और लगभग 7 छोटे छोटे 1 इंच के बराबर हल्दी लिए हैं। ये सारे कच्चे हल्दी हैं, आप चाहे तो सूखी हल्दी भी ले सकते हैं। इन सबको मैंने 10 मिनट गर्म पानी में भिगो के रखा था ताकि मैं हाइजीन मेंटेन कर सकूं। और जैसे आप देख पा रहे हैं इन सबको मैं मैनुअल ग्राइंडर जो हैंड ग्राइंडर होता है उसमें मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर सकते हैं पर आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए हैंड ग्राइंडर सबसे अच्छा रहता है। इससे मैं अच्छी तरह से इसको फाइन पेस्ट बना रही हूँ जैसे आप देख पा रहे हैं। और एक टिप है फ्रेंड्स, अगर आप बच्चे को ये खिलाने दे रहे हैं तो आप जो ऑर्गेनिक हनी रहता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को खिलाने से पहले आप इसको हनी में डिप करके बच्चे को खिलाइए जिससे कि बच्चा आसानी से इसको निगल सके। फ्रेंड्स, ये एक टाइम पे आप पूरा डोज बना सकते हैं और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।
पूरा नीम का पत्ता और हल्दी को मैं कूटने में दे दे रही हूँ। इसको हाथ में पीस के मैंने एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये फाइन पेस्ट को हमें बच्चे को डोज वाइज देना है। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने छोटे छोटे गोले बना लिए हैं, क्योंकि मेरा बच्चा अभी 2 साल 3 महीने का है, तो इस वजह से इतना बड़ा अमाउंट वो खा सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा 1 साल के अबोव है या 2 साल के ऊपर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसका गोला डिसाइड करिए। आप एकदम छोटा छोटा गोला स्टार्टिंग में बनाइए, ताकि आपका बच्चा इसके आराम से निकल सके। आपको ये गोले 3 दिन या 5 दिन देने हैं, हर दिन सुबह। एक बार में ये गोला प्रिपेयर करके हम फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो डोज है वो 3 दिन 5 दिन या 7 दिन इस तरह से आप दे सकते हैं। ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, तो नॉर्मली जितने बड़े लोग होते हैं उतना ज़्यादा दिन आप दे सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो आप 3 दिन देंगे तो ये सफिशिएंट होगा। बच्चा 1 साल का है तब आप कोशिश करिए बच्चे को पहले 1 दिन देने, फिर 1 दिन छोड़ के फिर 2 दिन देंगे, फिर 3 दिन छोड़ के फिर 4 दिन देंगे। इस तरह से ऑल्टरनेट डे करके 3 दिन दीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट नजर आएगा। और आप एकदम छोटा छोटा गोला बना के दीजिएगा शुरुआती टाइम पे। सेकेंड क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है, इसको दे कब? नॉर्मली जो सीजन चेंज होता है, मतलब विंटर से जो समर आता है, उस दौरान बच्चे को स्टमक वर्म या इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है। इस वजह से आप उस दौरान दे सकते हैं। हो सकता है ये जनवरी फरवरी के टाइम पे नॉर्मली हर साल आता है, तो इस दौरान आप बच्चे को ये मेडिसिन दे सकते हैं। आपको साल में सिर्फ एक ही बार देना है, जब बच्चा सुबह उठता है, जब वो कुछ भी नहीं खाया होता है, उस टाइम पे दीजिएगा। पहले बच्चे को 2 घूंट पानी पिला दीजिएगा, उसके बाद इसको बिल्कुल जीभ के नीचे वाले हिस्से में रख के पानी बच्चे को पिला लीजिएगा, जैसे बच्चा पूरी तरह से निकल जाए। नीम एकदम तीता होता है, और क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं तो उनका मुंह में ये चीज फट गए तो बच्चे का पूरा मुंह तीता हो जाता है, बच्चा रोना या फिर उसको वोमिट करके निकालना शुरू कर सकता है। इसी वजह से आपको केयरफुली करना पड़ेगा। बच्चे को सुबह जब खाली पेट में होता है बच्चा, उसी टाइम खिलाना पड़ेगा, ताकि बच्चा वोमिट कर ना सके, वो पेट में कुछ टाइम रहे। और इसको खिलाने के बाद आप बच्चे को कुछ नहीं खिलाएंगे, सिर्फ पानी पिलाएंगे। हाफ एन आवर या 1 आवर तक आप बच्चे को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे नॉर्मली। तो जब आप ये खिलाएंगे तब आप देखेंगे बच्चे को डकार आ रहा है, तो डकार आने तक आपको वेट करना है, उसके बाद आप बच्चे को कुछ और दे सकते हैं। लेकिन कम कम क्वांटिटी में उस दिन खाना दीजिएगा, क्योंकि बच्चे के स्टमक में ये नीम अपना काम शुरू कर देता है। और ये 3 डोज आप बच्चे को दे के देखिए, आपके बच्चे का अगर स्टमक वर्म का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो काफी जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगर आपके बच्चे का काफी ज्यादा दिक्कत है तो आप 6 महीने में 2 बार दे सकते हैं। मानसून से अगेन विंटर का टाइम आ रहा हो, उस टाइम पे आप एक और बार दे सकते हैं, लेकिन केयरफुल रहिए। आपका बच्चा अगर छोटा है तो वो वोमिट भी कर सकता है, इसी वजह से केयरफुली ये चीज दीजिएगा। रैपिडली अब बच्चा खा लेगा ऐसा एक्सपेक्ट करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि नीम का जो टेस्ट होता है हम सबको पता है कितना बिटर होता है, बड़े भी इसको सही से नहीं खा पाते हैं। इस बच्चे को ये खिलाना काफी टफ टास्क है, लेकिन मेडिसिन आप लोगों के लिए डेफिनेटली इफेक्टिव साबित होगा। फ्रेंड्स, हमारे घर में मेरे दादी का नुस्खा है ये। फ्रॉम द बिगनिंग जब से हमें पता चला है, हमारे घर में ये जनरेशन बाय जनरेशन खाते आ रहे हैं। बचपन से ही हमें ये खिलाया जाता है हर साल, ताकि हमारे पेट में कोई भी दिक्कत ना हो, और फॉर्चुनेटली हमें स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, स्टमक वॉर्म या कोई भी इन्फेक्शन कभी भी नहीं होता, टचवुड। तो इसी वजह से मैं गूगल को भी यही चीज़ खिलाती आ रही हूँ। अभी वो 2 बार खा चुका है, और नेक्स्ट ईयर अगेन से मैं खिलाऊंगी डेफिनेटली। उसका अमाउंट मैं थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, पहले जितना वो खा लेता था अभी उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाता है। इसको सालाना 1 बार खाने में कोई हर्ज नहीं है, और ये आयुर्वेदिक इलाज है, इसीलिए इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये रेमेडी के अलावा भी आप घर में रेगुलर फूड में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को स्टमक वर्म कभी भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप गार्लिक यूज कर सकते हैं, रॉ गार्लिक। अगर आप बच्चे को रेगुलरली कोई छोंका लगा दिए, या फिर काट के बच्चे को जो नॉर्मल ब्रेड है उसके बीच में दे दीजिए, या फिर किसी भी तरह से आप अगर रॉ गार्लिक बच्चे को दे रहे हैं, तो वो काफी हद तक स्टमक को हेल्दी रखता है, और कोई भी इन्फेक्शन से बच्चे को बचाता है। प्रोमोग्रेनेट एक ऐसा फ्रूट है जिसको रेगुलरली आप यूज कर सकते हैं स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। जो कच्चा प्रोमोग्रेनेट होता है उसको भी यूज किया जाता है एज अ रेमेडी, तो इसी वजह से आप
आप बच्चे को अगर रेगुलरली कोई फ्रूट देते हैं तो प्रोमोग्रेनेट वीकली वंस एटलीस्ट बच्चे को जरूर खिलाइए। बच्चे को अजवाइन उबाल के उसका पानी भी दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं, पपाया का जो जूस होता है वो भी बच्चे को दे सकते हैं या रॉ पपाया खाने के लिए दे सकते हैं। ये सारा चीज स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर रखता है। फ्रेंड्स, ये रेमेडी के अलावा आपको कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि आप सैनिटी और हाइजीन मेंटेन करें, बच्चों को खिलाने से पहले हैंड वॉश जरूर करवाएं, खाने के बाद हैंड वॉश करवाएं, बच्चे का मुंह जरूर साफ करवाएं, बच्चा अगर बाहर खेलने जा रहा है तो वापस आने के बाद गुनगुना पानी बच्चे को पेट भर के पिलाएगा, हाथ पैर अच्छे से धुलवाएगा, उसके बाद कुछ खाना है या दूसरा चीज आप दे सकते हैं। बच्चे का कोई इन्फेक्शन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ भी होगा तो वो इमिडिएटली साफ हो जाएगा। बच्चा जब गर्म पानी पीता है तो स्टमक भी साफ हो जाता है और नेक्स्ट डे जब पॉटी करेगा बच्चा तो उसमें उसका पेट एकदम साफ हो जाएगा। ये फ्रेंड्स ऐसे कुछ टेक्निक्स है, ऐसे कुछ टिप्स हैं जो रेगुलरली मैं यूज करती हूँ, जिससे फॉर्चुनेटली अभी तक स्टमक वर्म का कोई प्रॉब्लम मेरे फैमिली में किसी को नहीं देखा गया है। तो होपफुली ये सारे टिप्स आप लोगों के लिए इफेक्टिव साबित होंगे। अगर ये टिप्स आपको इफेक्टिव लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल के नए व्यूअर है, फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलरली मिलता रहे। बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।